मिस्टर बंता कद्दू की फसल उगा रहे हैं और बड़े फसल उगाने में मदद कर रहा है। बड़ी जल्दी हो गया। तुम सबकी मदद के लिए शुक्रिया। और तुम्हारे काम के लिए तुम्हें कद्दू घर ले जा सकते हो। मैं सोच रही थी अगर हम कद्दू की पार्टी करें तो। ये कद्दू की पार्टी क्या होती है? मेरा मतलब है कि सब साथ में आते हैं और कद्दू की नई नई चीजें बनाते हैं। जैसे कि हम लालटेन बना सकते हैं, या कद्दू की पाए बना सकते हैं, या कद्दू का सूप। हम बहुत से मुखौटे भी बना सकते हैं। बड़ा मजा आएगा। सुनने में बड़ा मजा आ रहा है ना? तो चलो करते हैं पंपकिन पार्टी। मेरा घर खाली है, सबको वहाँ बुलाते हैं। तो क्या आज रात तुम दोनों फ्री हो? बड़ा मजा आएगा। हाँ मैं फ्री हूँ। बहुत अच्छे बच्चों, अब अपने कद्दू उठाओ। अरे सुनो, रुको, आइडिया है। हम सबसे बड़ा कद्दू ढूंढेंगे, उसका हम सबसे बड़ा लालटेन बनाएंगे। हाँ, तुम दोनों क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, हम तो कद्दू ढूंढ रहे थे। वहाँ के कद्दू कितने बड़े हैं? हाँ, वहाँ के बहुत अच्छे हैं। तुम्हें जो चाहिए वो ले लो। मैंने अपना कद्दू ले लिया है मिस्टर बंता। बहुत अच्छा किया बेटा। शुक्रिया मिस्टर बंता। आज की पार्टी बहुत मजेदार होगी और सबको बहुत पसंद आएगी, मैं जानती हूँ। दोस्तों, अपना काम जारी रखो। मैं घर जा रही हूँ, बाद में मिलते हैं। बाय मिस्टर बंता। बाय बाय। अब सबसे बड़ा पम्पकिन ढूंढ रहे हैं। ये काफी बड़ा लग रहा है। तुम्हें लगता है ये मुझसे बड़ा है? इसे देखो। क्या तुम इसे घर ले जा पाओगे? हाँ बिल्कुल, हम इसे ले जाएंगे। ठीक है, लेकिन संभल कर जाना। बहुत अच्छे होंगे। जल्दी करना होगा, हमें लालटेन भी तो बनानी है। ये सबसे बड़ा और सबसे शानदार होगा। बताओ, मेरा कद्दू घुमाने का आइडिया अच्छा है ना? बोलो। हाँ, उसे उठाने से तो अच्छा ही था, पर सब मैंने ही किया। तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना चाहिए। ओ, 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 क्या हुआ है? ओ, 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 ये तो पत्थर है। अब हम लालटेन नहीं बना सकते। अरे नहीं, हम फंस चुके हैं। एक दो, एक दो, एक दो। उसमें हम लालटेन बनाने जा रहे हैं, सबसे बड़ा वाला। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले हमें इसे तुम्हारे घर लेकर जाना होगा। निको कितना अकलमंद है, हम अभी भी लालटेन बना सकते हैं। तैयार हो तुम लोग? चलो काम पर लगते हैं।
कद्दू को जरा संभालो, हमें उसे और खराब नहीं करना है। हो गया। यहाँ पर तो बहुत सारी खाली जगह है। बबले तो यही कहेगी, वाह ये कितना खूबसूरत है। छोटे ये अच्छी नकल उतार लेता है ना। बहुत देर हो रही है, चलो बबली के घर। मुझे अपने पैर नहीं दिख रहे, धीरे चलो। ठीक है। छोटे बड़े लाखा, उसे हटाओ। ये मेरी पार्टी का इनविटेशन है, मुझे ये सबको देना है। शाम को मिलते हैं। फिर मिलते हैं। हमने इसे बहुत तोड़ दिया, अब हम क्या करेंगे? हम हार नहीं मान सकते, देखते हैं। यहाँ आओ, मेरी मदद करो। मैं समझ गया, हम इस कद्दू की हाथ गाड़ी बना सकते हैं। पर वो क्या होता है? मुझे याद है, मैंने इस किताब में देखा था। कहाँ गया? हाँ मिल गया। दोस्तों देखो, हम इसे बेहतर बना सकते हैं। बड़े, मैंने जो मुखौटा बनाया था तुम उसे पहन लो, उससे तुम छुप जाओगे। पर मैं तो बड़ा खूबसूरत हूँ। बबली हम आ गए। रिंकी तुम आ गई? हाँ, देखो हम क्या लेकर आए हैं, कद्दू के चिप्स और बहुत कुछ। वाह बढ़िया है। गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। क्या हम आपकी मदद करें? हाँ वो खाना ले आओ। पता नहीं बड़े और निकू नहीं आए। बच्चों किसे चाहिए कद्दू का सूप? गर्मा गर्म कद्दू का सूप और केक्स। हाँ वो क्या है? कैसे है दोस्तों, ये रहा कद्दू की गाड़ी। कद्दू की हाथ गाड़ी? मुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये तुमने बनाया? मम्मी पापा ये देखिए। बहुत खूब, तुम्हारी कद्दू की हाथ गाड़ी बहुत अच्छी है। आपका बहुत शुक्रिया। निक्कू यहाँ पर बहुत सारा खाना है, तुम कुछ खाते क्यों नहीं हो? वाह खुशबू तो बहुत बढ़िया है, मैं और नहीं रुक सकता। मुझे भी खाना है। बड़े हमने इस बारे में तुमसे पहले बात की थी ना? इस बारे में? मुझे भूख लगी है, मुझे ये सब खाना है। तो तुम्हें असली घोड़ी नहीं मिली निकू? मैं भूल गया। आओ पापली पहले तो। मम्मी मम्मी पापा चलो चलते हैं। हाय बच्चों, कद्दू तो बहुत मजेदार है, उससे तुम कुछ भी बना सकते हो। वो सबसे अलग और अनोखा होना चाहिए, तभी तुम्हें और मजा आएगा। फिर मिल